time. ओफो, बस भी कीजिए ना, चाय ठंडी हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है। इसके पहले कि आपका मिजाज गर्म हो जाए और हमारी चाय ठंडी हो जाए, ये न्यूज़पेपर रख दिया मैं। थैंक यू। वाह, क्या बात, पकौड़े और साथ में आपकी मिर्ची की चटनी भी तो है। क्या बात है शीला, क्या बात। भाई पकौड़े बनाने में आपका जवाब नहीं। शीला, मैंने तो सोच के रखा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत पाते ही घूमने चले हिल स्टेशन पर, और हर हिल स्टेशन पर 3-3 महीने रहेंगे। जब से शादी हुई है ना, यही वादा सुनती आ रही हो। कुछ लोग पूरी जिंदगी उम्मीद में जीते हैं। मार लो ताने, खूब ताने मार लो। इतने ताने तो मैंने दुश्मनों के भी नहीं सुने कभी। वैसे तैयारी कैसी चल रही? तैयारी तो हो गई, पर शादी की इतनी जल्दी क्या है? हमारी निकिता भी इतनी बड़ी ही तो नहीं हुई ना, और फिर बीए फाइनल का रिजल्ट भी तो नहीं निकला। क्या जल्दी है शादी की? शीला, इतना अच्छा रिश्ता आया है, इसे हाथ से जाने कैसे दें? ये निकिता है कहाँ? भूल जाते हैं आप, बताया तो था मैंने, हमारी निकिता एक्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। ओफ, ये एक्टिंग तो इसका ऑब्सेशन बन चुका है। बिल्कुल मुझ पर गई है। पता है, जब मैं उसकी उम्र की थी ना, मुझे भी स्टेज के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। फिर शादी हो गई। वो तो शीला जी इसलिए कि आपको अपना हीरो मिल गया था। बस निकिता को भी इस लड़के में अपना हीरो दिख जाए। वैसे लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी है, मल्टीनेशनल में एग्जीक्यूटिव है, और हमें क्या चाहिए? पर इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है शीला, क्योंकि तुम्हारी ये लड़की है ना, ये इतना तेज दौड़ना चाहती है जिंदगी में। लेकिन इसमें बुराई क्या है? बुराई है, बुराई सिर्फ इतनी है शीला, कि तेज दौड़ने की होड़ में कहीं ठोकर लग जाती है और बड़ी गहरी चोट आती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि निकिता का हाथ किसी ऐसे आदमी के हाथ में दे दूं जो उसे संभाल ले और मैं निश्चिंत हो जाऊं। आपकी बात भी ठीक है। अगर आप होती तो देखती क्या तालियां बज रही थी मेरे लिए। ओह माय गॉड, इट वाज अमेजिंग मां, इट वाज अमेजिंग। एक कैमरा का फ्लैश यहां से, एक कैमरा का फ्लैश यहां से। होल माय, प्लीज निकिता, यू आर अमेजिंग। निकिता यू आर फैबुलस। निकिता यू आर माइंड ब्लोइंग। मां, मैंने आपसे कहा था ना, इस ईयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। पापा, आप मुझे कांग्रेचुलेट तो कीजिए। अरे बेटा, तुम बोलने का मौका दोगी तब ना। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब एक खुशखबरी हम तुम्हें देंगे। निकिता, परसों लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। क्यों? अरे पगली, क्यों क्या? लड़के वाले लड़की को क्यों देखने आते हैं? लड़के का नाम राजीव है। माँ, नाम कुछ भी हो, मैं ये शादीवादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहती हूँ। शादी चक्कर नहीं होता, मंजिल होती है हर लड़की की। पर पापा, मेरी आखिरी मंजिल शादी नहीं है। लेकिन मेरी है, अपनी बेटी की शादी करना, ये मेरी मंजिल है। एक्टिंग क्या होती? तुम झूठ को सच बनाकर दुनिया वालों के सामने पेश करते हो। अरे अपना रोल ईमानदारी से करना सीखो। पापा, दिस इज नॉट फेयर। आपने ना मुझे पूछा ना बताया, बस अपना डिसीजन अनाउंस कर दिया। व्हाट्स नॉट फेयर? हम तुम्हारे बाबा, तुम्हारा अच्छा बुरा सोचना इतनी समझ आए हमें? पापा, क्या मुझे अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है? मैं ये शादी नहीं करना चाहती। शीला, इसे कह दो इस बारे में आगे कोई बहस नहीं।
नमस्कार गायत्री देवी, नमस्कार, आइए। नमस्कार जी। मेरी बिटिया शालिनी, मेरे दामाद दीपक। नमस्ते बेटा। अरे राजीव कहाँ है? राजीव, राजीव जी। मामा आओ बेटा जी। गाड़ी पार्क कर रहे थे जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आइए प्लीज। आओ बेटा, आइए, कम आइए प्लीज, बैठ। आओ बेटा। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जिंदगी ढूंढने निकले हैं सर, रास्ता तो मिल ही जाएगा। बहुत हसमुख हैं दामाद जी। कर्नल साहब एक बार रिश्ता हो जाने दीजिए, फिर हम दोनों बैठते हैं जाम से जाम टकराते हुए। रंगीनिया तो तब हम आपको सुनाएंगे। देखा देखा बीवी कैसे कंट्रोल करती है, अब भी वक्त है सोच ले। आइए ना, बैठिए ना। जरा बैठिए। लीजिए ना कुछ। नो थैंक यू, आज मेरा उपवास है। अच्छा अच्छा, तो सोमवार का व्रत आप भी रखती हैं? बड़ा पावरफुल व्रत होता है ये। अच्छा पति पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। ये भी रखती थी सोमवार का व्रत? देखो भगवान शिव जी ने कितना अच्छा प्रसाद दिया इसे। बस बस, बिचारी को कंफ्यूज मत कीजिए, मेरे भैया हैं इसलिए नहीं कह रही, मगर भगवान तुम्हारे व्रत का बहुत अच्छा प्रसाद देने वाले हैं। देने वाले क्या, दे दिया भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। देखिए आप लोग गलत मत समझिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि रिश्ता मंजूर है लेकिन नेहा का नहीं, निकिता का। नेहा निकिता? दरअसल नेहा और निकिता जुड़वा है, आपने जो तस्वीर देखी थी वो निकिता की थी। नेहा जाओ बेटी, निकिता को ले आओ। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी, अगर निकिता भी नेहा जैसी है तो मुझे रिश्ता मंजूर है। बधाई हो कर्नल साहब, बहुत बहुत बधाई हो, दुनिया में ऐसा रिश्ता शायद पहली बार हुआ होगा। बधाई हो। बधाई हो बहन। आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जीते रहो, जीते रहो, बधाई हो। कितनी प्यारी है, है ना? बहुत खूबसूरत। शादी चक्कर नहीं होता, मंजिल होती है हर लड़की। पर पापा मेरी आखिरी मंजिल शादी नहीं है। लेकिन मेरी है, अपनी बेटी की शादी करना ये मेरी मंजिल है। पापा दिस इज नॉट फेयर, आपने ना मुझे पूछा ना बताया, बस अपना डिसीजन अनाउंस कर दिया। व्हाट इज नॉट फेयर, हम तुम्हारे बाबा, तुम्हारा अच्छा बुरा सोचना इतनी समझ है हम? पापा क्या मुझे अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है? मैं ये शादी नहीं करना चाहती। निकिता, लकी गर्ल। अरे क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? ओ अभी से याद सताने लगी राजीव की। तू शट अप नेहा, ये जबरदस्ती की शादी है। आप रे इतना गुस्सा, तो क्या करूं नेहा यार, क्या करूं? तुझे जानती हो नेहा, जो सपने मैंने देखे तो वो कितने अलग हैं, लेकिन उन सपनों को कोई समझना ही नहीं चाहता, और समझे भी क्यों? पापा को अपनी जिम्मेदारी जो निभानी है। And I must say कि पापा ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाई है। What a smart good looking boy राजीव is, अच्छा घर है, अच्छा जॉब है, फन लविंग फैमिली है। निकिता एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ नेहा, और एक लड़की को क्या चाहिए,
नेहा तुमने तुम्हारी इच्छाओं की सीमा बांध के रखी होगी, मैंने नहीं। कम ऑन निकिता, तेरी शादी ही तो हो रही है। एंड माय डियर सिस्टर, ये जो तेरी एक्टिंग का शौक है ना, शादी की बात पूरा कर लेना, आई एम श्योर राजीव तुम्हें रोकेगा नहीं। नेहा, शादी के बाद बहुत सी चीजें आ जाती है तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए। पहले बीवी, फिर बहू, फिर बच्चों की माँ, ओ गॉड, तुम्हारा घर ही तुम्हारा स्टेज बन जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं बजाता तालियां तुम्हारे रोल के लिए। बस अपना किरदार निभाते जाओ, निभाते जाओ। निकिता, तुम भी सब बिटर, ऐसी उमंगों का क्या फायदा जो तुझे दुख पहुंचा जाए। मुझे देख, मैं कितनी अच्छी हूं ना, मैंने कभी अपने बारे में कुछ ज्यादा चाहा ही नहीं है, बस कभी कभी एक सपना देख लेती हूँ, एक अच्छा सा पति हो, छोटा सा घर हो, दो तीन बच्चे हो। मुझे जिंदगी में इतना मिल जाएगा ना, तो मिल जाएगा नहीं, मिल गया समझ, मैं देती हूँ ना तुझे। नेहा, तू राजीव से शादी कर ले। हाँ, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इस तरह हम दोनों के सपने भी पूरे हो जाएंगे। गीता, आर यू क्रेजी, पागल हो गई है क्या? आज वो तेरे दरवाजे पे तेरी किस्मत बन के आया है जो तेरी मांग का सिंदूर बन के चमकेगा। अरे पगली, तेरा और राजीव का रिश्ता तो भगवान ने ऊपर से बना के भेजा है, और फिर निकिता, भगवान का बनाया हुआ रिश्ता कोई तोड़ सकता है भला? इसे हंस के एक्सेप्ट करना। निकिता बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, आपने ठीक पहचाना, शी इज रियली अ गुड एक्ट्रेस, जस्ट शी नीड्स अ ब्रेक। अरे नाम लिया हुआ निकिता यहाँ आ गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निकिता, 80% मार्क्स हासिल किया तुमने, कांग्रेस। थैंक यू। ये है मिस्टर चौहान, बड़े बैनर की फिल्म के लिए इन्हें एक फ्रेश टैलेंट की जरूरत है, इन्होंने तुम्हारा स्टेज शो देखा था, तुमसे मिलना चाहते थे। हेलो। हेलो। जितना तुम्हारे बारे में सुना और फिर मैंने तो तुम्हें स्टेज पे भी देखा था, इट वॉज इनफ टू इम्प्रेस मी। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं होटल सी प्रिंसेस में ठहरा हूँ, अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप आ सकती हैं, और आई प्रॉमिस यू अ गुड ब्रेक। सर, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग मी, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। हाय निकिता, यू हैव अ ग्रेट पैशन फॉर एक्टिंग। हाँ सर, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हारे माँ बाप अपोजिशन करते हैं तो मैं उन्हें समझा दूंगा, यू जस्ट नीड अ चांस। नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली सर मेरी शादी है। शादी? वेल कांग्रेस। मेरी तरफ से भी शादी मुबारक हो। हमें रिग्रेट है कि आप जैसी अच्छी आर्टिस्ट को हम चांस नहीं दे सके। एनीवे, ऑल द बेस्ट। चलिए, ओके, बाय। निकिता, किसका कार्ड है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फुर्सत मिल गई बुआ को। अरे भाई, अब तो चट मंगनी और पट बया रखोगी तो मैं क्या कर सकती हूँ भला। और सोनिया कहाँ है? नहीं आई सोनिया? नहीं आई, उसे छुट्टी नहीं मिली भाभी। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा उपाय करूँ कि मेरी सोनिया के भी भाग्य खुल जाए? इतना अच्छा रिश्ता और वो भी इतनी जल्दी तुम्हें कैसे मिल गया? कहीं कोई लव अफेयर तो नहीं था? नहीं दीदी, नहीं, ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। चलिए निकिता को आशीर्वाद तो दे दीजिए ना। चलो। अरे वाह,
बहुत प्यारी लग रही है, बारी जाओ। अरे पर पगली तो रो क्यों रही है? हाँ अरे तू तो किस्मत वाली है जो सही वक्त पे तेरे हाथों में मेहंदी लग रही है ना। अगर मेरी सोनिया होती तो तेरे मेहंदी वाले हाथ उसके सर पे रखवाती, तेरा झूठा खाना खिलाती उसे मैं। बुआ जी पहले आप चलिए और कुछ खा लीजिए। चलिए चलो। नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ओम गणानांत्वा गणपति गं हवामहे, प्रियनांत्वा प्रियपति गं हवामहे, निधिनांत्वा निधिपति गं हवामहे। बिटिया हमारी है, आप फुल चिंता ना कीजिए। अपनों से बिछड़ने का गम है ना? अभी कुछ ही घंटों पहले हमने अपनी जिंदगी एक साथ बिताने की कितनी सुंदर कस्में खाई हैं। मैं वादा करता हूं तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हें किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होगी। बस तुमसे सिर्फ एक उम्मीद रखता हूं कि तुम इस रिश्ते को विश्वास और ईमानदारी से निभाओगी। मैं
राजीव जी, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं निकिता नहीं, नेहा हूँ।